जनता समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इंदौर में रेप के मामले में फरार चल रहे वडनगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करण ने फर्जी दस्तावेज पेश कर जमानत ली थी। इसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की। पुलिस प्रशासन ने जांच में दस्तावेजों को गलत पाया। करण पर 15 जनवरी को एक और केस दर्ज कर दिया। इसके बाद से ही करण फरार चल रहा था। मामले में उसे मेडिकल बनाकर देने वाले डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया, जिसे विभाग ने सस्पेंड कर दिया। एमजी रोड टीआई डीवीएस नागर ने बताया, उज्जैन के वडनगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। उस पर महू की एक युवती ने महिला थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। इसके बाद करण लगातार जमानत की कोशिश कर रहा था। बाद में उसे वडनगर के डॉक्टर देवेंद्र स्वामी की मदद से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पीड़िता ने इस मामले में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को शिकायत की थी। जब दस्तावेजों की जांच हुई तो वे गलत पाए गए। बाद में करण और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। वह फरार चल रहा था और उस पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। विधायक के बेटे पर कांग्रेस कार्यालय में कामकाज संभालने वाली 23 साल की लड़की ने 2 अप्रैल 2021 को दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। युवती का आरोप है कि 14 फरवरी 2021 को करण उसे होटल ले गया था। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिलाया और इसके बाद वह उसे फ्लैट पर ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। गिरफ्तार होने के बाद करण मोरवाल ने बताया था कि वह 13 से 15 फरवरी तक वडनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती था। इसी आधार पर उसे जमानत मिल गई। प्रशासन ने मामले में जाँच की थी। प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी व अन्य दस्तावेज खंगाले गए। इन दस्तावेजों के फर्जी होने की आशंका में कलेक्टर के वडनगर के डॉक्टर व अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।